आपको वहां पर बैठना है, सारी चीजें सबमिट करनी है बार बार लगातार, ये वार्निंग ध्यान से सुन लो, सबमिट करने का बार बार लगातार। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ आईटी सब्जेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, आप आर्ट्स हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं, आईटी सब्जेक्ट से अगर आपका वास्ता है तो एग्जाम अभी भी खत्म नहीं हुए और इसीलिए आईटी सब्जेक्ट की भी तैयारी अच्छे से करना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में देखेंगे क्या है आईटी के अंदर खास, किस तरह से होती है एग्जाम और क्या क्या तैयारी करके एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले यार मैं बता दूं कि यार एग्जाम आईटी का दो तरीके का होता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स और ऑनलाइन एग्जाम 80 मार्क्स। बहरहाल ये वाला एग्जाम यानी 20 मार्क्स का ऑलरेडी हो चुका होगा आपके कॉलेज में, तो अब बारी है हमारे 80 मार्क्स के एग्जाम की। 80 मार्क्स का एग्जाम आपके सेंटर पे नहीं, आपके कॉलेज में ही होगा। अगर आपके कॉलेज के पास प्रॉपर कंप्यूटर लैब अवेलेबल है तो वो आपके खुद के कॉलेज में ही आईटी ऑनलाइन एग्जाम होगा। जी हाँ, आईटी ऑनलाइन एग्जाम ये सालों से चला आ रहा है, मतलब कोविड से भी पहले से आईटी का एग्जाम ऑनलाइन ही होता आ रहा है और आईटी का फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा जो कि आपके कॉलेज में होगा। ज्यादातर केसेस में अगर आपके कॉलेज के पास इनकेस कंप्यूटर लैब वगैरह अवेलेबल नहीं है प्रॉपर तो शायद दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स इट विल बी हेल्ड इन योर कॉलेज ओनली। तो आपके कॉलेज के कंप्यूटर लैब में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके अंदर आपको फोकस करना है ऑन थियरी टॉपिक्स, 10 मार्क्स के प्रोग्राम पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन सीएसएस फॉर्म्स लिस्ट वगैरह, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। इसके अलावा आपको हैबिट बनानी है इन अगले कुछ दिनों में ऑफ डूइंग ऑब्जेक्टिव्स रेगुलरली, यानी क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो किस इस तरह का है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स रेगुलरली करने ही हैं। आने वाले कई दिनों में अगर आप केबीसी की तरह ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों ऐसा है सर? तो यार सबसे पहले चैप्टर्स पर नजर डाल लेते हैं, 6 चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर के। चैप्टर वाइज वेटेज अगर देखें तो सबसे पहला जबरदस्त सा चैप्टर्स है एडवांस वेब डिजाइनिंग जो कि 20 मार्क का है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग ये 15 मार्क का चैप्टर है, ये कमाल का चैप्टर है और इसको कमाल के चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ जीएसटी ये कॉमर्स वालों का चैप्टर है। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस 10 मार्क का चैप्टर। डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूजिंग लिबर ऑफिस ये भी 10 मार्क का चैप्टर है। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग 10 मार्क का चैप्टर। तो कुल मिलाकर के कॉमर्स वालों के लिए 6 चैप्टर्स और 80 मार्क का कुछ इस प्रकार का वेटेज। आप देख ही सकते हैं कि यार पहले 3 चैप्टर्स जो हैं वो 15-15 मार्क्स के हैं और इनफैक्ट फर्स्ट चैप्टर एडवांस वेब डिजाइनिंग 20 मार्क का वेटेज रखता है, तो बड़े ही काम के ये पहले 3 चैप्टर हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से मेहनत से फोकस से पढ़ लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। और बाकी के चैप्टर्स में से भी अगर मैं आपको बताऊं तो ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस एकदम मस्त का चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में ढेर सारे आईटी के वीडियोज ऑलरेडी है, मैं वापस से उसको टेलीग्राम पे रीपोस्ट कर दूंगा, आप जरूर वो वीडियोज को देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ये जो है अपना चैप्टर वाइज वेटेज है। अब बात करते हैं अपने पेपर पैटर्न की, जिसको देखकर अक्सर बहुत हल्का फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेपर पैटर्न ही धोखा दे सकता है। क्यों कैसे जरा समझते हैं। सबसे पहले कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चंस होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ट्रू और फॉल्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क, मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 10 मार्क, मल्टीपल चॉइस 2 करेक्ट आंसर 10 क्वेश्चन 20 मार्क क्योंकि 2 सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल चॉइस 3 करेक्ट आंसर 6 मार्क्स, मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स के लिए आंसर इन ब्रीफ आपको एनी 5 लिखने हैं, 8 में से 10 मार्क 2 मार्क्स ईच होता है ये। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 ए और बी के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं कॉमर्स वालों के लिए, यहां पर 4 प्रोग्राम होंगे HTML के, आपको 8A में से 1 लिखना है, 8B में से भी 1 लिखना है। तो ये कुल मिलाकर के वेटेज है कॉमर्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए फर्क सिर्फ इतना होगा यहां पर कि जो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम यहां पर 8B में आएंगे तो आपको कंपलसरीली 1 HTML का 1 जावास्क्रिप्ट का करना होगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि कॉमर्स वालों को तो यार दोनों में से 8A में से 1 HTML, 8B में से 1 HTML का करना है। तो कुल मिलाकर के ये पेपर पैटर्न है। ज्यादातर लोग इस पेपर पैटर्न को देख करके सोचते हैं अरे 60 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स है, मचा देंगे, जय माता दी, लेट्स रॉक। कहीं ना कहीं इसी गलतफहमी में आपके परसेंटेज की आप वाट लगा लेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि भले ही 60 मार्क्स के यहां पर ऑब्जेक्टिव्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यही 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स का घमंड अपना चकनाचूर हो सकता है अगर हम थोड़ी तैयारी ना करें। कहीं ना कहीं आपको तैयारी पे फोकस करना ही पड़ेगा, भले ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं आए ना
और बहुत ज्यादा आपने गलत कर दिए, तो यार परसेंटेज जो ओवरऑल आपका अच्छा हुआ है ना बारहवीं के बाकी के पेपर्स इजी वाले दे करके, तो कहीं ना कहीं ये आईटी आपके परसेंटेज की वाट लगा सकता है, और वो नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। आप चाहे एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, आपको एंड एक हाई पे करना है, और इसीलिए आपको ध्यान बहुत देना पड़ेगा। कैसे आप करेंगे तो यार सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये कुछ सिंपल स्ट्रैटेजी है जो मैं चाहता हूं सभी फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें। स्टडी प्रोग्राम्स फ्रॉम चैप्टर वन, एडवांस वेब डिजाइनिंग चैप्टर के अंदर कई प्रोग्राम्स हैं, और वो प्रोग्राम्स आपको करने हैं। डोंट टेक मी रॉन्ग, एसओपी कराइचे नहीं है, एसओपी जो टेक्सटबुक के पीछे वाले है ना वो करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है। इधर कौन से प्रोग्राम आते हैं तो यहां पर आते हैं फॉर्म्स, फ्रेम, CSS लिस्ट, फॉर्म फ्रेम CSS लिस्ट, फॉर्म फ्रेम CSS लिस्ट, फॉर्म फ्रेम CSS लिस्ट। जी हाँ, ये फॉर्म फ्रेम और CSS लिस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम अपने टेक्स्ट बुक में है, अपनी TPS नाम की एक बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, ऑब्जेक्टिव्स उसमें से आते हैं, बहुत फेमस बुक है, उसका जो है आपको काम बहुत आने वाला है, तो वहां से प्रिपरेशन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा, स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर भी रेगुलर क्विज आते रहते हैं TPS में से, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैप्टर नंबर वन का आपको करना है यूज TPS फॉर ऑब्जेक्टिव, स्टडी IMP क्वेश्चंस फ्रॉम IMP चैप्टर्स। भाई 20 से 25 क्वेश्चंस हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस का PDF विद आंसर्स मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से जाइए डाउनलोड कीजिए उसको और उतने क्वेश्चंस कर लीजिए, काम फिट, मामला हिट, और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टडी थियरी आंसर्स फ्रॉम चैप्टर 2, 4, 6, बिना भूले चैप्टर 2, 4, और 6 के तो थियरी आंसर्स करने ही है। कीप ऑन रिवाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स, बहुत अच्छे से रिवाइज बार बार करते रहिए। इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर्स डालूंगा, वो प्रैक्टिस पेपर्स लिख के प्रैक्टिस करो चलेगा, अगर आपके पास कोई ऑनलाइन कंप्यूटर या पीसी नहीं है तो आप लिख के प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चंस पढ़ो, देखो आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आ रहे हैं या नहीं, प्रोग्राम आपको लिखते आ रहा है कि नहीं। तो प्रैक्टिस पेपर्स बहुत काम के होते हैं, ये प्रैक्टिस पेपर्स मैंने ऑलरेडी विद आंसर्स डाले हुए हैं, फिर भी मैं रीपोस्ट कर दूंगा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स एंड वीडियो लेक्चर्स मेरे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां पर आपको प्रैक्टिस की लिंक भी मैं दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स कैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी बताऊंगा, ताकि आपको एग्जाम का फील जो है वो आता रहे। दोस्तों इसके अलावा आईटी पेपर इज ऑलवेज हेल्ड ऑनलाइन, याद रखिए, डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, ट्राई करो स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड करने की, पहले से प्रैक्टिस ऐसी करो कि स्पेलिंग मिस्टेक आप अवॉइड करें। इसके अलावा आई विल प्रेफर यू टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 7 and 8 इन द स्टार्ट, ये मेरा एडवाइस अक्सर रहता ही है, और एक्चुअल में यू कैन सॉल्व इन एनी सीक्वेंस, मगर मेरा एडवाइस रहता है कि जाते ही पहले ऑब्जेक्टिव्स की भीख मांगने मत बैठ जाओ, जाते ही पहले ऑब्जेक्टिव्स टिक टिक करके आराम से हो गया सब कुछ ये सोचने मत बैठ जाओ, आपको सबसे पहले जाकर के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सिंपल एडवाइस मेरा हमेशा रहता है कि यार जाओ आराम से टाइम लो, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स टाइप करो, क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोग्राम्स टाइप करो, थोड़ा गर्म हो जाओगे आप और मस्त पैकी फिर बाद में ऑब्जेक्टिव्स करने बैठो। मैं फ्रेंकली बोलता हूं आपको 2 घंटा 40 मिनट 50 मिनट आपको दिए तो जाते हैं 2 घंटा 40 मिनट, मगर समवेयर और द अदर आईटी का पेपर ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपको घाई नहीं करनी है, आपको रिलैक्स रहना है और बैठना है। आपके आजू बाजू सब उठ के जा रहे हैं ये सोच के आप भी उठ के जाओ मत, आपको वहां पर बैठना है, सारी चीजें सबमिट करनी है बार बार लगातार, ये वार्निंग ध्यान से सुन लो, सबमिट करने का बार बार लगातार, सबमिट करने का बार बार लगातार, सबमिट करने का बार बार लगातार, जो भी आपको लगता है आपने किया है सबमिट, जो भी आपको लगता है आपने किया है सबमिट। मैं अभी आपको लुक एंड फील भी बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कौन सा बटन दबाना है आपको और कौन सा नहीं दबाना है। तो सबमिट प्रॉपरली, यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट फॉर सबमिटिंग। आपने 10 फिलअप में से 2 भी लिखे ना तो सबमिट कर दो, आपको ऐसा लगता है कि यार 2 में से 1 तो गलत लिख दिया अभी चेंज करने का, चेंज कर वापस सबमिट कर, आपको लगता है 5 और आ गए, आ ही गए हैं जय माता दी करके, तो सबमिट करो वापस 5 लिख के, आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार आप सबमिट रीसबमिट कर सकते हो, लेकिन लास्ट तक मत रुको सबमिट करने के लिए, जेवढं झालं तेवढं सबमिट करायचं, कारण हा सर्व्हर आहे मित्रांनो आणि सर्व्हर वरती तुमचे आंसर जाणार आहेत, तर त्यासाठी तुम्हाला एकदम सबमिट करत राहायचंय। कधी सर्व्हर स्लो झाला, तुमचे आन्सर पोचले नाही पोचले, दॅट इज द थिंग दॅट इज यू हॅव टू बी केअरफुल फॉर, अँड दॅट इज वाय जेवढे आहेत तेवढे सबमिट करत राहायचे, जेवढे झाले तेवढे सबमिट करत राहायचे, जितना हुआ उतना सर्व्हर पे आपको सबमिट करते रहना है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए लॅब में घुसते ही जंगली मवालियों की तरह टॅप ठूक ठाप ठीक एंटर फिंटर मारते मत बैठना,
रिलैक्स होके माइंड योर लेग्स, माइंड योर हैंड्स एंड सीट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। आपका आईटी टीचर जो है ना बॉस, वो बहुत मेहनत करता है। ये जो आपको लगता है ना 10 दिन की छुट्टी दे दिया है, ये 10 दिन में आईटी टीचर आपके कॉलेज का मजबूत काम कर रहा है बॉस। उसने डेटा टेस्टिंग की है, उसने इंस्पेक्शन किया है, हर कंप्यूटर को आपके नाम पे रजिस्टर किया है, सीट नंबर के हिसाब से ड्राई रन किया है, बहुत सारी चीजें उसने की है 8-10 दिन में। और इसीलिए उसको तकलीफ हो ऐसा काम मत करो, जाके मस्त बैठो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एग्जाम। डोंट डू एनीथिंग व्हिच विल रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर भगवान है, ड्यूरिंग द एग्जाम वो बंद नहीं होना चाहिए, वो रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी है और इज्जत से जाके मस्त से बैठना है अपनी जगह पे। कंप्यूटर रेडी करके आपके टीचर्स ने रखा है, आपको बस जाकर के एग्जाम देना है। और मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम तो टिक 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 माउस से ही हो जाता है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टाइप करना है थोड़ा बहुत, क्वेश्चन 7 और 8 में आपको टाइप करना है, बाकी सब कुछ माउस से ही हो जाएगा, टिक टिक करके सिलेक्ट करके ही हो जाएगा। आपको सबमिट करते रहना है, ये जड़ी बूटी चीज याद रख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, चेक द प्रोग्राम प्रॉपरली, पुट द टैग्स प्रॉपरली, और आप अगर अच्छे से इतना कर लेते हैं तो काम आपका आसान हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी टिप यही कहूंगा, यू विल कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम ओनली, यूज टाइम फॉर चेकिंग पेपर। आपका पेपर जल्दी ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, सिर्फ थोड़े बहुत टाइपिंग में आपको टाइम लगता है, बाकी सब जल्दी हो जाता है। तो जो टाइम बचता है ना उसमें इधर उधर ये छिछोरापन मत करो यार, यूज करो वो टाइम को चेक करने में। पेपर अपन ने सब सबमिट कर दिया क्या, मेरे सारे बटन्स ग्रीन हो गए क्या, ये सब चेक करने का, सबमिट एवरीथिंग प्रॉपरली, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, याद रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। महाराष्ट्र बोर्ड चा सर्वर आहे आणि म्हणून तुम्हाला सबमिट करत राहायचं आहे। यस, चेक द स्पेलिंग्स ऑफ द आंसर, स्पेशली चेक द टैग्स ऑफ द प्रोग्राम्स। कई बार ऐसा होता है कि टैग्स में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, राइट आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा अगर उसको एंगल ब्रैकेट में आपने नहीं लिखा है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव डन दिस। ये है अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू। इस तरह की लॉग इन स्क्रीन होगी दोस्तों, आपको आपका सीट नंबर डालना है प्रॉपरली, आपकी स्ट्रीम प्रॉपरली सिलेक्ट करनी है, जो भी इन्विजिलेटर होगा वहां पर, जो एग्जामिनर जो वहां पर होंगे, आपके टीचर्स वगैरह जो होंगे वो यहां पर पासवर्ड डालेंगे और फिर आप लॉग इन कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपरली आपका सीट नंबर टाइप करना है, जो भी आपका सीट नंबर है, M0, M2 वगैरह वगैरह, जो भी आपका सीट नंबर है, 0 है तो 0 ही लिखना है वहां पे, O टाइप नहीं करना है वरना लॉग इन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ध्यान से आपका ही सीट नंबर हॉल टिकट लेके जाने का, हॉल टिकट में से देख के टाइप करने का, ओके। एंड सिलेक्ट द स्ट्रीम प्रॉपरली, आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स सिलेक्ट कीजिए, साइंस के हैं तो साइंस, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स सिलेक्ट कीजिए और फिर लॉग इन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने लॉग इन डिटेल्स आएगा, फिर से क्रॉस चेक करने के लिए आपका इनविजिलेटर, जो आपके टीचर्स होंगे वहां पर लैब में जो घूम रहे होंगे, वो इसको चेक करेंगे और फिर वो आकर वेरीफाई और कंफर्म करेंगे। तो आपको घाई गड़बड़ में क्लिक किलोमी झालं नाही अटबगन काय झालं, ऐसा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। एक बार क्लिक करने का, रुकने का, पढ़ने का। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, बनता है अपने को ही बोलता है करने के लिए। आपको रिलैक्स होकर के करना है, पढ़ पढ़ के करना है, कुछ भी घाई नहीं करना है। वेरीफाई एंड कंफर्म पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो आगे बढ़ेगा। फॉर हैंडीकैप स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा 50 मिनट्स टाइम विल बी गिवन। दोस्तों ये आपका जो एग्जाम क्लाइंट है वो इस तरह से ओपन होगा, पेपर इस तरह से ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपको दिख रहा है यहां पर ऊपर भी बटन्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। यस, ऊपर बटन्स दिए हुए हैं, मैं आपको यहां पर बता दूं हाईलाइट करके भी। क्वेश्चन नंबर के बटन्स हैं यहां पर, यस ये हैं क्वेश्चन नंबर के बटन्स, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर भी क्लिक कर सकते हो, यहां पे भी क्लिक कर सकते हो, ओके। जहां पे भी हो रहा होगा प्रॉपरली वहां पे इजीली क्लिक करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्लिक करोगे फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स यहां पर 10 होंगे स्क्रोलिंग करके देखने का, ये स्क्रोल बार है बनता है बराबर, ये स्क्रोल बार को ऊपर नीचे करोगे, इधर आंसर टाइप करने का है फिलअप्स का, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स में आप आंसर टाइप करोगे बराबर है। और नीचे जैसे ही स्क्रोल करोगे आप, वहां पर एक सबमिट बटन होगा, उस सबमिट बटन पे क्लिक जैसे ही करोगे आपके सारे ये जो रेड दिख रहे हैं ना आपको, ये कैसे हो जाएंगे, ये ग्रीन हो जाएंगे और आंसर सबमिटेड का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसको ओके करने का। इस एग्जाम क्लाइंट में गलती से भी आपको इस बटन की ओर देखना भी नहीं है। यह है फिनिश एग्जाम बटन और यह आपका टीचर ही करेगा, आपको होशियारी मारनी नहीं है, गलती से भी यहां पर देखना नहीं है, यहां पे क्लिक करना नहीं है, वरना आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आपको सिर्फ और सिर्फ
इस पार्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करना है, आंसर्स प्रॉपरली लिखते रहने हैं, सबमिट करना है, आंसर सबमिटेड आया तो ओके करना है। कभी कभी ये आने में थोड़ा स्लो रहता है, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखने का, आराम से आएगा ओके करने का, रिलैक्स होकर के एग्जाम देने का और बहुत ही अच्छे से एग्जाम आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अपन जाए क्वेश्चन नंबर टू पे, तो इकड़े ट्रू और फॉल्स आए और ट्रू और फॉल्स के अंदर आपको रेडियो बटन्स दिए होते हैं, एक ट्रू का और एक फॉल्स का, कोई भी एक ही टिक होगा आपको, कोई एक जो भी आपको सही लगता है ट्रू या फॉल्स वो टिक कर देना है और नीचे स्क्रोल करके सबमिट कर देना है। ओके, गॉट इट एवरीवन। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर थ्री आता है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज एमसीक्यू सिंगल करेक्ट आंसर्स, तो यहां पर सिंगल करेक्ट है तो एक ही टिक होगा, कॉमन सेंस है, आपको दो बार क्लिक करना ही नहीं है, कोई डबल क्लिक करेगा नहीं बॉस, ये रेडियो बटन्स में से जो एक करेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यस, जो एक करेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं ये चीज। ओके, सिंगल करेक्ट आंसर में एक टिक करने का, सबमिट करने का, फिर टू करेक्ट आंसर में दो अब करेक्ट है तो दो टिक मार्क होंगे, यहां पे देख सकते हैं आप चेकबॉक्स है तो आपको दो टिक करने हैं। इसके बाद थ्री करेक्ट आंसर में तीन सिलेक्ट करने हैं, तीन सही। कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर इसमें से एक गलत हो गया तो बाकी का मार्क्स मिलेगा क्या? सब मिलेगा बच्ची, टेंशन लेने का नहीं, तीन टिक करने का लेकिन, ठीक है। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, तो यहां पर मैच द फॉलोइंग में आप देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं और आपको यहां पर नीचे ए बी सी डी का आंसर लिखने का है, तो आज स्टूडेंट्स टू टाइप ओनली डिजिट, मतलब आपको यहां से जो नंबर है ना वही इधर टाइप करना है, मतलब आपको लगता है ए का आंसर थ्री है तो आप इधर थ्री टाइप कर दो, फिर इधर फोर लगता है तो फोर टाइप कर दो, जो भी आपको लगता है वो नंबर टाइप करो। इधर सबमिट का बटन है, देखो ये सबमिट के बटन पे क्लिक करो, ऐसा सबमिट बटन हर क्वेश्चन के नीचे होगा ही होगा और स्टार्टिंग में आपको ये दिखेगा ही दिखेगा, आपको हर बार इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो ये है बॉक्सेस ये ग्रीन होते रहेंगे, दीज बॉक्सेस विल टर्न ग्रीन। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन, आई होप इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर टू एवरीवन। मैच द फॉलोइंग के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे शॉर्ट आंसर्स और यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनी फाइव, तो आपको आठ दिए होंगे उसमें से पांच लिखने हैं और यहां पर लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, इधर आपको लिखना है। कई लोग मुझे पूछते हैं सर कितना लिखने हो, कितना लिखने हो, कितना लिखने हो, टाइम तो बहुत होता है, जितना चाहिए लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए दो मार्क का एक है, टोटल पांच लिखने हैं, दस मार्क का है, तो दो मार्क के लिए तुमने इको में कितना लिखा है, ओसी में कितना लिखा है, वो हिसाब से लिखो। मेरे हिसाब से फाइव टू सिक्स लाइन्स, एट लाइन्स आर इनफ, उससे ज्यादा लिख के मतलब नहीं है। राइट एनी फोर टिप्स टू रिकॉर्ड गुड क्वालिटी साउंड, आर्ट्स वालों का क्वेश्चन है तो आप वो हिसाब से लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहां पर बहुत फेमस है, तो उस तरह के क्वेश्चंस जो है यहां पर आए तो आपको चार डेफिनेटली एडवांटेजेस, चार डिसएडवांटेजेस, दो तीन पॉइंट्स, ऐसे आप यहां पर आंसर फ्रेम कर सकते हो, लिख सकते हो। Got it? ये शॉर्ट आंसर्स हो गए। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट पे। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर एट है, बराबर क्वेश्चन नंबर एट खुला, उसके अंदर है ना यहां पे आप स्क्रोलिंग करोगे ना, यहां पर आप स्क्रोलिंग करोगे तो आपको दिख जाएगा कि एट ए और एट बी इसी एट के अंदर है। ओके, तो एट ए में से एक करना है, एट बी में से एक करना है, टोटल दो प्रोग्राम करने हैं, लेकिन एट ए में से एक और एट बी में से एक। ओके, एक कितने मार्क का है, पांच मार्क का है, ऐसे आपको दो करने हैं लेकिन एट ए में से एक करना है और एट बी में से एक करना है, तो दस मार्क आपको यहां पर प्रोग्राम्स के मिलेंगे। प्रोग्राम्स में ज्यादातर क्या आ सकता है सर, तो यहां पर फॉर्म्स, फ्रेम, सीएसएस, लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये चार टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं, टीपीएस के अंदर भी दिए हुए हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है वहां पर भी दिए हुए हैं, कैसे टाइप के फेमस प्रोग्राम्स हैं उनका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो आपको जरूर इससे मदद मिलेगी। इतने चार टाइप के प्रोग्राम्स करो ही, बहुत लोगों की ये आदत होती है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हैं, पटेली में सबमिट करते हैं, निकल जाते हैं, लापरवाह हैं ऐसे लोग, प्लीज ऐसा मत बनिएगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं ना यार, थोड़ा भी इज्जत करते हैं ना, तो पूरा पेपर लिखिए प्लीज। और ये है ना सेवन एट, स्पेशली मैं आप लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूं कि क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन एट लिखने का ही, ये मैनुअली चेक होता है बच्ची, और इसीलिए हमारे जैसे टीचर्स जब ये चेक करने बैठेंगे तो कंसिडर करते हैं यार, समझ रहे हो। तो यहां पर एटलीस्ट अटेम्प्ट करो क्वेश्चन सेवन और एट, बेसिक एचटीएमएल का एटलीस्ट कोड लिखो, आपको जितना एचटीएमएल आता है मेरे वीडियो से भी अगर आपने सीखा है तो थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करो, लेकिन करो, एकदम भी खाली मत छोड़ो, खाली ऑब्जेक्टिव लिख के चले मत जाओ, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने वाला अपना परसेंटेज बना लेगा, ये वादा है मेरा।
तो यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 7-8। ऐसा जरा भी कोई ना करे कि यार खाली ऑब्जेक्टिव्स किया और चले गए। प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट एवरीथिंग प्रॉपरली। यहां तक आ जाने के बाद सब सबमिट करो, मेक श्योर कि आपके सारे आंसर्स ग्रीन हो गए हैं। ये पूरा ग्रीन हो जाना चाहिए। ये पूरा ग्रीन हो गया तो हाथ ऊपर करने का, टीचर को बुलाने का, उनको बोलने का, माझा झालेला आहे, माझी एग्जाम संपलेली आहे, आता मला अजून काही लिहायची इच्छा नाहीये, पूर्ण झालेला आहे सगळं। ते सगळं चेक करतील, बघतील तू वाकई में तूने सबमिट किया है कि नहीं। सबमिट कर लिया उसके बाद उनका जिम्मेदारी है, वो फिनिश एग्जाम पे क्लिक करेंगे, तुमको करना नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा स्ट्रिक्ट वार्निंग समझ लो, एडवाइस समझ लो। फिनिश एग्जाम पे आपको क्लिक नहीं करना है, वो खुद करेंगे, या वो आपको गाइड तो एटलीस्ट करेंगे ही कि कैसे करना है। आपको खुद से पटेली करना नहीं है फिनिश एग्जाम का। वंस यू डू दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दे विल गाइड यू टू फिनिश एग्जाम। सारा सबमिट करके आप फिनिश कर देना, इस तरह की एक वार्निंग आ जाएगी और फिर आपका एग्जाम एंड हो जाएगा। तो किसी भी हालत में बिना सब कुछ सबमिट किए फिनिश करना नहीं है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरी वन। यस, आखिरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। स्टूडेंट्स कैन सॉल्व द पेपर इन एनी सिक्वेंस, सबमिट ईच क्वेश्चन इमिडिएटली आफ्टर सॉल्विंग। जस तुम्हें केला ना तसच सबमिट कराए। जसं मी सुरुवातीला पण सांगितलं की फिलिंग द ब्लँक्स, तुम्हारे 5 हो गए तो सबमिट करो, 6 हो गए तो सबमिट करो, 2 हुए सबमिट करो, रुको मत कि 10 पूरे लिखते हो बाद में सबमिट करते हो, अरे नहीं मेरी जान फटाक से कर दे। यस, स्टूडेंट कैन सबमिट सॉल्व्ड क्वेश्चंस इवन इफ ही शी वांट्स टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस लेटर। मतलब चेंजेस करना है तो कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। सबमिट मीन्स सेव, यू कैन सॉल्व चेंज आंसर एज रिक्वायर्ड एंड रीसबमिट इट अगेन। तो तुम्हारे को ये फैसिलिटी है कि तुम क्लिक करके वापस से, जैसा आप रिटर्न पेपर में कैसा कुछ गलत हो गया कट करके वापस लिखते हो, वैसा ही है कि आप चेंजेस इसमें कर सकते हो। सबमिट एवरीथिंग प्रॉपरली। वंस अगेन आई रिपीट, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनिट, सबमिट करत रहायचं आहे। येस, होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो व्हाइल राइटिंग इन ऑनलाइन एग्जाम। ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स को यूज नहीं करना, HTML वगैरह ऐसा आप डायरेक्टली मत लिखो, जहां पर जरूरी है वहां पर लिखो, जहां पर नहीं जरूरी है वहां पे आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो भी चलेगा। राइट आंसर इन अपर केस और लोअर केस। देखो ये बात सिंपल है, या तो कैपिटल में सब लिखो या तो लोअर केस में सब लिखो, बीच में कैपिटल बीच में लोअर ऐसा पटेली मत करो ना यार, कुछ भी झाकझूम मत करो। या तो सब कैपिटल में लिख स्टार्टिंग से या तो सब स्मॉल में लिख स्टार्टिंग से, है कि नहीं, वो इजी पड़ता है। HTML टैग शुड कंपल्सरी बी रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, म्हणजे हे जे ब्रैकेट्स असतात ना त्याच्यातच तुम्हाला टैग्स मेंशन करायचे आहेत। फॉर एग्जांपल डैश टैग इज यूज्ड फॉर हाईएस्ट हेडिंग लेवल, तो अपना आंसर है H1, तो खाली H1 लिखा ना तो रॉन्ग मिलेगा। H1 नहीं लिखना है आपको, कैसा लिखना है तो याद रखने का, एंगल्ड ब्रैकेट में ही H1 लिखना है, ऐसा लिखा तो राइट मिलेगा, क्योंकि वो टैग पूछ रहा है ना। तो टैग कैसे लिखते हैं अपन, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, तो तसच लिहायचं। ओके, राइट डिजिट्स इन आंसर्स एंड इन वर्ड्स, तो याद रखने का कि यार आपको अगर कुछ आंसर है 6 तो आपको SIX लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 6 नंबर डालो चलेगा। ओके, आपको कोई सिंबल है आंसर में जैसे हैश, तो HASH हैश लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबल डालो हैश का, ठीक है। राइट डॉट इन फाइल एक्सटेंशन वेर एवर रिक्वायर्ड, अगर कोई आंसर है जिसमें .mp3 .jpg ऐसा कुछ है तो डॉट डाल के वो एक्सटेंशन मेंशन करो, खाली mp3 लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा। जो भी आंसर है जो भी एक्सटेंशन है डॉट के साथ ही मेंशन करना है। कंपल्सरीली राइट ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच फंक्शन, अगर कोई फंक्शन लिख रहा है साइंस वाला बच्चा तो ऐसे फंक्शन एंगल ब्रैकेट में लिखना ही है। ओके, राइट की कॉम्बिनेशन विद प्लस सिंबल, जैसे आप कोई कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कोई आंसर लिख रहे हैं, कोई शॉर्टकट की पूछा हुआ है तो वहां पर अगर सपोज Alt+P है तो खाली Alt+P नहीं लिखना है, रॉन्ग मिलेगा, Alt+P ऐसा आपको लिखना है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फुल मार्क्स विल बी गिवन फॉर करेक्ट आंसर एग्जैक्ट मैच विद राइट स्पेलिंग फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अब तो ऐसा रूल हो गया है, जहां तक मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 8 मैनुअली जो मॉडरेटर्स होते हैं एग्जामिनर्स होते हैं वो चेक करते हैं, बाकी के क्वेश्चन ऑटोमेटिक चेक होते हैं सर्वर पे। ओके, तो सिलेक्ट 2 and 3 करेक्ट आंसर्स ओनली फॉर रिस्पेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू मल्टीपल चॉइस आंसर, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको स्क्रीन के हिसाब से बता दिया। तो इतनी चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं आप जंग जीत जाएंगे, IIT का एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स को पढ़ो, थियरी आंसर्स को पढ़ो, PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। इतना कर लोगे तो IIT का एग्जाम क्रैक कर लोगे, काम फिट, मामला हिट और एग्जाम हो जाएगा सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी और इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब रहा होगा। आप चैनल पर बने रहिए, प्यार बरकरार रखिए, क्योंकि यहां पर लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब।